सतीश्वादी केसी और व्योमासुर का उद्धार नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था, वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ व्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता रहा था। उसकी गर्दन से के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सब के सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह क्या था, मानो कि इस वृक्ष का खोडर ही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नियत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनकी हिनहिनाहट से उसके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा उसकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा, मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला ये इंद्रियातीत को मारे कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद केसी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। उसके बाद वह क्रोध से तिल मिलाकर और मुंह फाड़कर उसे वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आकांक्षा के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल करकमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। तब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई, वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरे उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पक्की ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण के उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें उससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितेशी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उससे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं को भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं।
ये सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं और सत्य संकल्प है वही आप दैत्य प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आज कल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, वे विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशी में अवतरण हुए हैं। ये बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसकी हनहनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु अब परसों मैं आपके हाथों चारुण मुष्टिक दूसरे पहलवान कुवलिया पीड हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। इसके बाद का संघासुर कालियवन मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के ची चपड़ करने पर उसको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा वीरता सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए नृक को पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बती के साथ स्वयं तक मणि को जाम्बान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ले आएंगे, ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रिक मिथ्यावाद रूप वेद मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में चेदिराज शिशुपाल को और वहाँ से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंत वक्रत को नष्ट करेंगे। प्रभु द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रभावशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा सबके। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौणी सेना का संहार करेंगे। ये सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु आप विशुद्ध विज्ञान धन है, आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही है। आपका संकल्प अमोघ है, आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता है, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र है। जगत और उसके अशेष विषयों अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु वृषिण तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों की आहद से नर जी का रोम रोम खेल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा व्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे जब सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे, तब कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपाने का लुक्की का खेल खेल रहे थे। राजन उस लोगों में कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहाँ आया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिपाता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा बंद एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल चार चार बालक ही बच रहे। भक्तवत्सल भगवान उसी की ये करतूत जान गए। फिर जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह
भेड़ियों को दबोच ले, उस प्रकार उससे घर दबा दर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था, उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चोर और चाहा कि अपने को छुड़ा लूँ, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने इस शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा न सका। वो तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोटकर मार डाला। देवता लोग विमान पर चढ़कर उनकी ये लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पहाड़ पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण व्रज में चले आए।